पहले आपको ये जरूरत है कि why we require classification, ठीक है? Significance of classification, significance of classification. अब बेटा देखो हुआ क्या, अब ये बच्चों एक चीज आपको पता होगी कि एलिमेंट्स ऐसा तो नहीं है बेटा कि सारे एलिमेंट एक साथ डिस्कवर हो गए. आज की डेट में बेटा कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? 180. और बेटा अगर लेटेस्ट अगर पढ़ोगे तो मैं कहीं पढ़ रहा था तो मेरे को ये तो पता है कि 123 के करीब तो हो चुके हैं. मतलब ऐसा है कि ये डिस्कवरी बेटा होती रहती है, ठीक है? अगर लेटेस्ट के हिसाब से देखोगे एनसीईआरटी में तो 118 दे रखे हैं आपको, लेकिन अगर नेट के ऊपर जाके देखोगे गूगल पर सर्च करके तो आपको ज्यादा ही एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है बेटा? तो ये जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं तो मैं बेटा आपको पास्ट में लेके चलते हैं. तो देखो जहां से शुरुआत हो रहे थे बेटा एलिमेंट्स की, तो मान लो जब एलिमेंट बेटा डिस्कवर हो रहे थे तो ऐसा तो नहीं था कि एक साथ डिस्कवर हो गए ना. पहले मान लो 5 एलिमेंट हुए होंगे, फिर 6 ऐसे करके बढ़ते चले गए. तो बेटा जब तक कम एलिमेंट्स थे तब तक तो क्लासीफाई करना आसान, मतलब उतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मान लो अगर आपको 10 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ना है तो ठीक है आप कर सकते हो. लेकिन बेटा दिक्कत कब आएगी, प्रॉब्लम कब आएगी, जब एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी, है ना? जैसे अपने घर में ही देख लो आपको कितना सारा सामान अरेंज होता है ना? अगर बेटा वो प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको अरेंज ना करो, जैसे अपनी बुक्स को ही देख लो, नोटबुक्स को या अपने जो आपका पढ़ाई का सामान है, अगर आप सारी बिखेर के रखो तो पता नहीं कौन से नोट्स कहाँ पर है, कौन सी बुक कहाँ है, कौन सी नोटबुक कहाँ है, है ना? तो बहुत बेटा उसमें क्या हो जाएगा, आपको ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना? और इसी तरीके से अगर बेटा एलिमेंट्स को अगर आप ग्रुप बना के पढ़ते हो, मतलब क्लासिफाई कर देते हो, जैसे एक मेटल्स बोलते हो, एक नॉन मेटल बोलते हो, एक बोलोगे ग्रुप वन में, इस तरीके से अगर क्लासिफाई कर देते हो तो बेटा उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना क्या है, आसान हो जाता है. तो यही है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, ठीक है? तो बेटा एक तो ये बात है कि शुरुआत में तो उसकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जब एलिमेंट्स की संख्या बेटा बढ़ती चली जा रही थी तो देखो लगभग 1800 में जब हम बात करें तो सिर्फ 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे. अगर 1800 की बात करोगे तो सोचो कितने सारे टाइम पहले की बात है, उस टाइम पर बेटा सिर्फ 31 एलिमेंट्स थे और आज देखो कितने सारे हैं. तो बेटा ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ रही है उनकी प्रॉपर्टी को बेटा ग्रुप बना के पढ़ने में ज्यादा सही तरीके से आप स्टडी कर पाओगे, है ना? विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली. अगर हम किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम सोडियम की प्रॉपर्टी को पढ़ना चाहते हैं कि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सोडियम किस किस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कार्बन के साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है, इस तरीके से, ठीक है? तो बेटा जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो सब हमें क्या है, अगर हम इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बेटा पढ़े तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर पीरियोडिक टेबल अपने पास हो. तो अब आप देखो जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे मान लो 118 एलिमेंट है मान लो सपोज, तो बेटा आपको इमेजिन करो कितने कंपाउंड्स बनते होंगे, सोचो कितने कंपाउंड्स होंगे बच्चों, हजारों में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, नॉन डस्ट वाले. हाँ बेटा, तो अगर मान लो अब इनके बेटा कितने कंपाउंड्स होते होंगे, हजारों नहीं बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है बेटा, लाखों कंपाउंड बनाते हैं, सोचो कितने सारे कंपाउंड है. अब मान लो अगर आप एक एलिमेंट के कंपाउंड्स की बात कर रहे हो, जैसे सोडियम की बात करो, तो सोडियम कितने सारे कंपाउंड बना रहा है, लाखों की संख्या में अकेले सोडियम. तो इनकी प्रॉपर्टी को बेटा पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है, इसके ऑक्साइड के एसिडिक क्यों होते हैं, बेसिक क्यों होते हैं, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे अगर कार्बन की बात करो तो कार्बन, मैंने आपको बताया था कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जो सबसे यूनिक है, क्योंकि वो इतने कंपाउंड्स बनाता है कि हमको बेटा केमिस्ट्री का भी डिवीजन करना पड़ा बेटा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने अलग करनी पड़ी, बाकी एलिमेंट से उसको अलग करना पड़ा, क्योंकि उसके बेटा कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज्यादा है. और अगर आप रियल लाइफ में देखो, हमारे घर में देखो, आप प्लास्टिक की चेयर से लेकर पॉलीथिन बैग से लेकर जो सोप्स एंड डिटर्जेंट है उनके अंदर भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं बेटा, हर जगह कार्बन के कंपाउंड्स है, तो बहुत ज्यादा उनका यूज करते हैं हम, तो इसलिए बेटा उसको सेपरेट करना पड़ा, है ना, क्लासिफाई करना पड़ा. तो यही इसका सिग्निफिकेंस है बेसिकली, बेस्ड ऑन दी सिमिलरिटीज. तो बेटा अच्छा एक चीज और, वैसे तो बेटा हर एलिमेंट आपने पढ़ा है, जैसे डाल्टन की थ्योरी में भी था कि हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बेटा अलग होता है कि नहीं? लेकिन बेटा क्या है,
कि कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जरूर होती है। अगर हम कुछ एलिमेंट्स की बात करें जैसे सोडियम की और पोटेशियम की देखो, तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन देखोगे तो क्या देखेगा बेटा, आउटर मोस्ट शेल में दोनों के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर है तो 11 होता है सोडियम का, और पोटेशियम का देखो बेटा कितना है, सोडियम का होता है 281, है ना बच्चों, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। और पोटेशियम के अंदर कैसे रहता है, बस शेल पड़ जाता है, पोटेशियम का 19 है तो 288 और 1 बच्चों, है कि नहीं, इसी तरीके से होगा 19 नंबर है इसका। तो बेटा देखो इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी है। और इतना ही नहीं, अगर सोडियम और इसकी प्रॉपर्टी को देखोगे बेटा, दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, पोटेशियम भी उतना ही रिएक्टिव होता है। तो बेटा बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, ऐसा देखा गया कि कुछ प्रॉपर्टी बेटा कुछ एलिमेंट जो है उनकी सिमिलरिटीज उनके बीच में महसूस की गई। तो और इन्हीं सिमिलरिटी के बेसिस पर बेटा, बेस्ड ऑन दी सिमिलरिटी, साइंटिस्ट आफ्टर न्यूमेरियस अटेम्प्ट्स, काफी सारी कोशिश की गई कि भाई किसी तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाए। तो बेटा तब जाके पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई। तो पीरियोडिक टेबल बेटा अगर हम देखें, अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल क्या है बेटा, तो कैसे डिफाइन करोगे इसको, पीरियोडिक टेबल नाम में पीरियोडिक है, नाम में बेटा पीरियोडिक है, इसका क्या मतलब है, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है बच्चों ये बताओ मुझे, पीरियोडिक मोशन पढ़ा है फिजिक्स में, पीरियोडिक मोशन हाँ, कौन सा मोशन होता है सर, कंटीन्यूअस, अरे कंटीन्यूअस का क्या मतलब है, पीरियोडिक का क्या मतलब हुआ, जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है बेटा, जैसे कौन सा मोशन, हाँ बोलो गौरव, कुछ समय के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी, कुछ समय के बाद मतलब जो ना नए एलिमेंट्स। अच्छा गौरव एक चीज बताओ मुझे, आप बेटा क्लास नहीं लेते आप रेगुलर, पहले तो ये बताओ सर, एक एक बच्चे की अटेंडेंस जाती है आपको पता है? यस। अभी बेटा डायरेक्टर सर के पास सब बच्चों की लिस्ट जा रही है कि कौन कौन बच्चे क्लास में कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऐसा क्यों होता है बेटा? अभी आप लोगों को बेटा घर से क्लास लेनी है और कितना टाइम आपका वेस्ट हो गया पता है ना, अब सितंबर में आ गए, अपना 9th देख लो, 9th, फिर अपने पास क्या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने के अंदर सिलेबस पता है कितना ज्यादा है, अभी 2 चैप्टर हुए हैं सिर्फ, सोच लो तो अभी बेटा बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो बेटा ऐसा मत करो, और अगर बेटा बीच में एक क्लास अगर गैप करते हो तो इतना नुकसान होता है आप लोगों का, जो एक कंटिन्यूटी होती है बेटा वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, इसीलिए कहता हूँ। तो कोशिश करो, अगर कोई थोड़ा बहुत इशू नेटवर्क का है या कोई फैमिली इशू है तो बेटा एक बार इंफॉर्म करना कंपलसरी है, ठीक है, ग्रुप जो आपका व्हाट्सएप है उस पर इमेजिन उस पर आप हमें इन्फॉर्म कर दो, क्लास से पहले बता दो कि सर आज हम नहीं ले पाएंगे, और जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको आप देख लो, बस इतना आपको काम करना है अगर कोई इमरजेंसी आती है तो, अदरवाइज बेटा कोशिश करें कि रेगुलर रहे। हाँ बेटा, तो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल बेटा क्या होगा, मैं बता रहा था आपको पीरियोडिक मोशन की जैसे बात कर रहे थे, जैसे बेटा देखो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है ना मून सर्कुलर मोशन में, तो बेटा ये एक पीरियोडिक मोशन है कि नहीं, क्योंकि उसका एक डेफिनेट टाइम होता है, या अर्थ भी मान लो अपनी खुद की एक्सिस पर बेटा रोटेट करती है तो वो फिक्स है कि भाई 24 घंटे के बाद बेटा उसी पोजिशन पर आ जाता है कि नहीं, अर्थ का रोटेशन अगर अपनी एक्सिस पर देखोगे तो इस तरीके से है कि नहीं बेटा, बताओ। यस सर। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा टेबल जिसमें बेटा क्या हो, जो एलिमेंट प्रॉपर्टी जिनकी सिमिलर आ रही है, मतलब जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी आ रही है, अगर आप उनको बेटा एक मतलब एक साथ रख दो तो वो क्या बन जाएगा, एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज ए टेबल विच क्लासीफाई, इट इज डिफाइंड एज ए टेबल, बेटा एक ऐसा टेबल है ये, ठीक है, इसमें बेटा क्या कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं बेटा, अरेंज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको बेटा नाम क्या है, कुणाल वरिष्ठ, अच्छा वही हो गया, तो वरिष्ठ क्लास क्यों नहीं लेते, अच्छा अच्छा चलो
टेबल इन विच बेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज बेटा। अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बेटा उनको लगा दें, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, है ना। और ये प्रॉपर्टी बेटा कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, कॉमन भी आ सकता है कि नहीं। कुछ प्रॉपर्टी बेटा कॉमन भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया। खाली बेटा सोडियम नहीं है यहाँ पर, सोडियम पोटेशियम ऐसे बेटा आप देखो अगर ध्यान से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, याद है ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते थे। या अगर इनर्ट गैसेस की बात करते हो, हीलियम नियोन अर्गन क्रिप्टन, ये सारी गैसेस बेटा देखो सबकी एक जैसी प्रॉपर्टी है, इनर्ट गैसेस बोलते हैं ना, नोबल गैसेस, ये इनर्ट गैसेस लास्ट ग्रुप जो होता था, है ना। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में हम क्या किया बेटा, सभी एलिमेंट्स को क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको बेटा अरेंज कर दिया। और टेबल के अंदर बेटा क्या चीज होती है, रो भी होती है और कॉलम भी होती है, है ना। तो वो भी पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरीके से रहेगा, ये देखो इसमें आपको बेटा रोज भी दिखेंगे और कॉलम भी दिखेंगे, है ना। चलो एक एक पढ़ते हैं, कहां से शुरुआत हो रही है, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा इसका हिस्टोरिकल इंपैक्ट आपको पढ़ना है, क्या हुआ, वीडियो बंद, वीडियो बंद हो गया मेरे साइड, मेरे साइड पे बेटा। ठीक है, आप एक बार रीस्टार्ट कर लो, एक बार एरोप्लेन मोड ऑन। सर नहीं दिख रहा, अरे किसी को नहीं दिख रहा है, सर दिख रहा है बेटा, सर दिख रहा है, आ गया सर दिख रहा है। अरे मैंने पूछा किसी से, तुम लोग अपनी तरफ से शुरू हो गए बेटा। क्लास में डिसिप्लिन बना के रखी है, सुनो पहले मेरी बात सुनो बेटा। यहाँ पर बेटा ब्रॉडबैंड पे क्लास चलती है, ठीक है, तो यहाँ से बेटा इशू नहीं है। कई बार क्या होता है, आप लोग जो रिसीविंग एंड पर हो तो आप लोगों के नेट में इशू हो जाता है, तो आप लोग अपना बेटा एरोप्लेन मोड ऑन कर, मोड ऑन करके एक बार दोबारा रीकनेक्ट करके देखो तो हो जाएगी, ठीक है। चलो तो आगे बात कर रहे थे बेटा, एक तो बच्चों कैमरा ऑन रखा करो, तुम लोग अपना नेट बचाते हो सबके सब, इतना कहाँ बचाओगे तुम नेट है, कितना नेट लग जाता है एक क्लास में। आर्यन बेटा कैमरा ऑन कर लो सभी बच्चे, ठीक है, कैमरा ऑन करेंगे तो 500 GB लगेंगे, क्या हो जाएगा, तब 500 MB लगेगी, फिर 500 MB लगती है, अरे हमें 700 लगती है, छाती पर लेके जाओगे MB, छाती पर MB लेके जाओगे बेटा, कहां तो कैमरा ऑन रहे, पूरी दुनिया में, सुनो तो मेरी बात, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा इंडिया के अंदर है, पता है ये बात, तो कंपनी वाले जब तक मिल रहा है तब तक ट्राई ने महंगा कर दिया। चलो थोड़ी देर ऑन कर लेना, ठीक है, चलो मुझे पता चलता रहना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो तो बेटा सबसे पहले जोहान डोबरमियर से शुरुआत करते हैं, तो बेटा कौन बताएगा कि डोबरमियर ने किस तरीके से अरेंज किए थे बेटा एलिमेंट्स, उसका बेसिस क्या था, सर थ्री ग्रुप बनाए, अब सब मत बोलो एक एक करके बोलो, हां पहले कौन बता रहा था, अरे भगवान शांतनु चलो बोलो, आप बोलो बाकी चुप हो जाओ भाई, एक एक करके सबसे पूछ लो, मैं शांतनु बताओ बेटा, विद द रेफरेंस ऑफ एटॉमिक, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक बेसिस के आधार पर, तो क्या करा उन्होंने बताओ, तो तरीका क्या किया, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, सर उन्होंने एवरी 8th एलिमेंट, सर एवरी 8th एलिमेंट विल पोसेस सिमिलर कैरेक्टर टू द फर्स्ट एलिमेंट, कौन है ये, ये बच्चा कौन है बेटा, हिंदी में बोलो ना, गौरव, हाँ ये तो बेटा
वो कहावत सुनी आपने, जैसे मतलब एकदम से जैसे कोई बच्चा अगर आता है, जैसे उसने किताब पहली बार खोली हो 11th क्लास की, नई नई किताब, या आप देखो नई नई बुक आती है अपनी, एकदम नई खरीद के लाते हैं मार्केट से, कितना शौक नहीं होता? छोटी क्लास में था तो मैं उसको मतलब अलट पलट के देखते हैं कि इसमें कौन सा चैप्टर है, क्या है ना। और फिर जैसे जैसे वो बेटा पुरानी हो जाती है ना, उसको पढ़ने का मन नहीं करता, फिर उसको आदमी उसको बच्चे जो है दूर हटाओ। जब नई नई होती है, एकदम चमक वाली कॉपी होती है, एकदम बुक आती है एकदम, तो बड़ा मन करता है छोटे बच्चों का भी उनको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। तो गौरव मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ऐसा ठीक है, अभी आप क्लास रेगुलर लो, ठीक है। हिंदी में बताओ मेरे को, सिंपल भाषा में मुझे बताओ कि हमने नहीं, राहुल ने बोला था। अरे बताओ तो फिर। हाँ बताओ, मैं पूछ तो रहा हूँ। सर उन्होंने सर जो सर हर आठवें एलिमेंट की सर हर आठवें एलिमेंट की हाँ राहुल बोलो तुम क्या कह रहे हो? सर हर आठवें एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होंगी। अरे वाह, ये डोबरमैन सर आप पहुंच गए। सर दिख नहीं रहा सर। क्लास में सर नहीं है क्या? नहीं, हमारे इधर भी नहीं दिख रहे सर।
किसी के मोबाइल में दिख रहे हैं क्या सर? नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहा। नहीं सर का नंबर होगा किसी के पास तो फोन लगा के पूछो ना। ग्रुप पे नंबर लगा तू। आ रहे सर। आदित्य सर ने क्या कहा? हाँ बच्चों ऑडियो आ रहा है, दिख रहा हूँ मैं क्लियर? यस सर। बेटा थोड़ा अभी इशू हो गया, तो बेटा डोवर्नियर की बात कर रहे थे बेटा, डोवर्नियर ट्रेड्स। तो डोवर्नियर ट्रेड्स बेटा जो है नाइन्थ एलिमेंट वाला बेटा वो नहीं है ये। सर हम बताएं? हाँ बताओ सर। सर उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था जिसको ट्रेड्स बोलते थे। और बेटा उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन क्या किया था ये भी बताओ, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन था कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस का सम सेकंड एलिमेंट के इक्वल आता था। सम नहीं, उसका एवरेज। ठीक है बच्चों, एवरेज। ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का बेटा अगर एटॉमिक मास का एवरेज ले तो बेटा वो जो बीच वाला एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास उन दोनों के सम के एवरेज के बराबर आएगा। ठीक है, जब आप एवरेज निकालोगे तो देखो जैसे एग्जांपल की अगर बात करें कौन कौन से बेटा ट्राइड्स थे, एक बार बोर्ड पे मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, पहला बेटा केस क्या था, सोडियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम, पहला ट्राइड ये बताया था। ठीक है, पहला ट्राइड का देखो कौन सा है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। अगर लिथियम एलिमेंट को आपने इसी क्वार्टर में लगाया था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम का बेटा मास कितना होता है, एटॉमिक मास 7, सोडियम 23 और पोटेशियम का बेटा कितना होता है 39। ठीक है, अगर तीनों का बेटा अगर हम इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो उन्होंने क्या कहा, ये जो सोडियम का मास आप निकाल रहे हैं, तो एक बार इन दोनों का एवरेज भी देखते हैं, एवरेज एटॉमिक मास लिथियम एंड पोटेशियम कितना आएगा, 7 + 39 / 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस करके देखो तो कितनी वैल्यू आ रही है, 16 × 46 / 2 = 23 बेटा। देखो बिल्कुल उतनी वैल्यू आती है जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है ना, सोडियम का भी बेटा 23 है, सोडियम का भी बेटा 23 है ना। तो यही चीज उन्होंने बेटा कहा था कि जो एवरेज आएगा दोनों एलिमेंट का, अगर ट्राइड के साथ अगर पहले और तीसरे एलिमेंट का बेटा एवरेज लें, इनके एटॉमिक मासेस का
दूसरा बेटा कौन सा था? सोडियम में यहाँ पर अभी थोड़ी थी। सेकंड ट्रायड ठीक है। सेकंड कौन सा वाला था? बताओ। याद है किसी बच्चों? किसी बच्चे को याद है बेटा? बताओ। आपने पढ़े थे दो। सर कैल्शियम और आखिरी वाला और आखिरी वाला हाँ कौन से? एक बार बेटा रिपीट करो। स्ट्रोंटियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम ये तीन थे बेटा। कैल्शियम ग्रुप टू है, ग्रुप टू के अंदर एलिमेंट होते हैं कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम। ठीक है बेटा, तीनों एक जैसे प्रॉपर्टी भी होती है इनकी। तो इस तरह बेटा देखिए इनका एटॉमिक मास देखते हैं। कैल्शियम का बेटा कितना होता है? एटॉमिक नंबर 40 होता है ना, और स्ट्रॉन्शियम का बेटा है 88 और बेरियम 137। स्ट्रॉन्शियम 88 और बेरियम 137। तो ये बात बेटा इन दोनों का अगर एवरेज देख लेते हैं तो देखो क्या आएगा। ये सब बेटा 10 क्लास में पढ़ लिया है, इसमें कोई गलती नहीं है, फटाफट निकाल सकते हैं। 40 प्लस 137 अपॉन 2 स्क्वायर में मिलेगा तो उसकी वैल्यू आएगी लगभग 88.5 है ना। इन दोनों का अगर हम एवरेज देख लेते हैं बेटा इस तरीके से एक और भी ट्रायड होता है बच्चों। तीन ट्रायड थे, याद में करा देता हूँ आपको। तीन ट्रायड थे, दो तो आपको याद होंगे 10th क्लास के। एक और ट्रायड है बेटा, कौन सा है बच्चों? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है बेटा। तीन एलिमेंट्स और है यहाँ पर जिनके लिए ट्रायड काम करता है। ये थे बेटा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए अगर एटॉमिक मास देखिए तो कितने कितने हैं बेटा। क्लोरीन का कितना है? 17 एटॉमिक नंबर होता है, 35.5 इसका एटॉमिक मास है। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन का लगभग 80 है। ब्रोमीन का 80 होता है। और आयोडीन बेटा सबसे हैवी एलिमेंट है तीनों में, 127। बेटा जब इसका हम एवरेज लेंगे यानी क्लोरीन को और बेटा इसका एवरेज अगर लोगे 35.5 और बेटा 127 का एवरेज लो कितना हैवी है और सब तो बेटा ये लगभग आरईएस की वैल्यू 81.25। तरुण तो बेटा ये तीन ट्रायड बताए थे डोबर नियर, ये है डोबर नियर के ट्रायड। लेकिन बेटा इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है वो क्या है? ये जो ट्रायड्स है बेटा ये सिर्फ तीन ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उन्होंने जो ये ट्रायड बताया वो हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे। जबकि बेटा उस टाइम पर मैंने बताया लगभग 25-30 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। लगभग 30 एलिमेंट्स में से लगभग 31 एलिमेंट्स बेटा सिर्फ उन्होंने तीन ट्रायड बताए। और जब उनसे पूछा गया कि बेटा बाकी एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी में कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये सबसे बड़ा लिमिटेशन भी बना उनका। अगर हम इनकी लिमिटेशन की बात करें बेटा तो उनका जो ये मतलब जो भी मेहनत उन्होंने करी एवरेज लेकर, तो इट सीम्स टू वर्क ओनली फॉर ए फ्यू एलिमेंट्स। सिर्फ बेटा कुछ ही एलिमेंट्स पर ही अप्लाई हो रहा है। सिर्फ 9 एलिमेंट जो दिख रहे हैं आपको उनको हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं ना,
बाकी एलिमेंट्स के बारे में बेटा उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इनको क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है बच्चों, इसके अलावा बेटा एक चीज और है, कुछ साइंटिस्ट जो बाद में कह रहे थे, अब जैसे मतलब सभी भी हम कोई चीज बताते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आपको पता है बेटा साइंस में कोई भी चीज जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन देना पड़ता है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट देना पड़ता है आपने कैसे किस चीज को निकाला है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि इट वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस, इसको उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया। जैसे आप अगर मान लो किसी चीज का एवरेज निकाल रहे हो तो लगभग किसी एलिमेंट में मैच हो गया और उन्होंने बेटा ये सब चीजें हो गई, बिकॉज ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्राइड्स। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो एलिमेंट्स थे बेटा उनको सबको क्लासिफाई करने में कोई कामयाबी नहीं मिली, सिर्फ नौ एलिमेंट्स को ही ग्रुप बना पाए, ठीक है? तो इस वजह से बेटा क्या कहा गया कि एक तरह का कोइंसिडेंस हुआ ये, जो उन्होंने ये वो एक कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है बच्चों? ये थे डोबरनियर के ट्राइड्स, आपने पढ़ रखे तो आप लोग जानते भी उसको बेटा अच्छे से पहले, ठीक है? डोबरनियर की बेटा ट्राइड्स। चलो तो अब दूसरी चीज देखते हैं आगे, डोबरनियर के बाद बेटा आपने कौन सा पढ़ा है? न्यूलैंड लॉ ऑफ न्यूलैंड, ऑब्वियस। लेकिन बेटा न्यूलैंड से पहले एक और थोड़ा सा एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने कोई ज्यादा अरेंजमेंट तो नहीं किया, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे बेटा, इनका नाम है, ये मैंने नोट्स में लिख रखा है, आप पढ़ लेना इनके बारे में, डी चारकोटियस। डी चारकोटियस एनसीईआरटी में भी इसके बारे में नहीं मिलेगा आई थिंक, डी चारकोटियस है ये। इन्होंने बेटा जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो अर्थ के अंदर की बेटा एलिमेंट्स की, मतलब कौन से एलिमेंट निकल रहे हैं, कंपाउंड निकल रहे हैं, अगर उसकी स्टडी करेंगे तो उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो अर्थ के नीचे क्रस्ट के अंदर या कोई मैटर निकल रहा है तो बेटा उसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो एक बेटा ये जियोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, इन्होंने 1862 में क्या किया, जितने एलिमेंट्स थे ना उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करी बेटा। इसके बारे में आप कभी ज्यादा पढ़ोगे नहीं, गूगल पे सर्च कर सकते, ठीक है? तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी, कॉमन नहीं है, लेकिन इन्होंने भी बेटा कुछ ना कुछ मेहनत करी, तो इसलिए इनका नाम है डी चारकोटियस। क्लासिफिकेशन तो इन्होंने बेटा 1862 के अंदर देखो, क्या किया तुमने, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेटा आधार पर, जितने भी एलिमेंट्स थे ना बेटा उनका कंट्रीब्यूशन ये था, ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट बेटा उस टाइम पर पता चल गया था जिनके बारे में, उन सभी को बेटा एटॉमिक मास उनका कैलकुलेट करके और उसको बेटा अरेंज किया उन्होंने इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स एंड प्रपोज्ड अ सिलेंड्रिकल वेट्स, एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाने की बेटा कोशिश करी, एक सिलेंड्रिकल बेटा टेबल बनाने की कोशिश करी और उस सिलेंड्रिकल टेबल का, बड़ी जल्दी नेट ऑफ हो गया मेरा आज, रिकॉर्डिंग हटानी पड़ेगी क्या?